दिन में 50 sketches और एक लैंडस्केप लाने के बाद ही मुझे रात का खाना मिलता था। नहीं, मेरा हाथ कुछ एक्सीडेंट नहीं हुआ है, वो बाय बर्थ ही है ऐसा। बाय बचपन से ही है कि इधर कैरिकेचर करने के लिए जाएंगे, उधर थोड़ा सा पैसा मिलेगा, इधर कुछ कमीशन वर्क करेंगे, चलो गणपति डेकोरेशन करेंगे, या कुछ चलो कुछ दीवार पेंटिंग का ऑर्डर है वो मिल रहा है, वहाँ पे कुछ 500-2000 मिल रहा है वो करेंगे, ऐसा मैंने कभी नहीं किया। कभी कभी मेरे जेब में 1 रुपया भी नहीं होता था। उस वक्त भी मुझे ऐसा लगा नहीं कि बाहर का काम करना चाहिए। उस वक्त भी मैं स्केचिंग करता था, लैंडस्केप करता था, कंपोजिशन करता था और स्टूडियो घर में बैठ, क्योंकि 2 टाइम का मुझे खाना तो मिल रहा था, तो एक्स्ट्रा पैसे के इसमें मैं अपना खुद का काम जो डेवलप होने की स्टेज पे जा रहा है उसको मैंने छोड़ा नहीं है। और मैंने मेरे साथ ऐसे कई लोगों को देखा है जो कुछ छोटे मोटे पैसों के लिए बाहर का काम कर रहे थे, तो वो कभी अच्छे आर्टिस्ट नहीं बन सके, क्योंकि उनका इधर का कॉन्ट्रीब्यूशन जो आर्ट में होना चाहिए वो उतना 100% नहीं हो रहा था, क्योंकि आप बाहर का भी काम कर रहे हो थोड़े से पैसों के लिए और बाद में वो पैसे मिलते हैं तो इधर कम ध्यान दे रहे हो, तो ये होता है। तो मैंने मेरे जीवन में कभी स्टूडेंट लाइफ में कभी कमीशन वर्क नहीं किया, कभी बाहर का काम नहीं किया। आज हम आए हैं सिद्धार्थ सिंगाड़े सर के यहाँ पे। यस, नमस्कार। मतलब ये पेंटिंग्स काफी मशहूर पेंटिंग्स है और ये पेंटिंग्स को मैंने है ना सर, टू बी ऑनेस्ट, मैंने है ना आपके बारे में इस जनवरी या फरवरी के बीच में आपके बारे में मैंने जाना, आपके पेंटिंग्स मैंने देखे हुए थे पर ऐसे नाम से और फेस से ना मैं आपको पहचानता नहीं था। कॉलेज में एक बार है ना हमारा पिक्टोरियल का एक टॉपिक चालू था और तभी है ना मोस्टली ना स्टूडेंट्स को ना थोड़ा पिक्टोरियल में हाथ तंग होता है और तभी सर है ना अलग अलग आर्टिस्ट के जो रेफरेंस होते हैं वो दिखाते हैं, तो उसमें है ना आपका जिक्र हुआ, तो उन्होंने ना मुझे आपके बारे में बताया, आपके पेंटिंग्स दिखाए, तो मैंने ना नेक्स्ट मेरा स्टेप ये था कि इंस्टाग्राम ओपन किया, आपका नाम देखा और मैंने आपके सारे पेंटिंग्स देखे और मुझे इतने पसंद आए, मतलब ये जो पैटर्न्स है। यस, और सर ने एक्सप्लेन भी किया, आप भी एक्सप्लेन कीजिए कि आपके पेंटिंग्स की खासियत क्या है। पेंटिंग की खासियत मेरे अगर मैं बताना चाहूँगा तो अगर आप सब मेरे काम देखेंगे, मतलब मैंने एक सीरीज में काम किया है, मतलब जहाँ पे मैंने मेरे ज़िंदगी के 20 साल बिताए वो बिताकर मैं आर्ट एजुकेशन लेने के लिए मुंबई में आया था। कहाँ से? तुलजापुर से। ये मुंबई से 500 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है, सोलापुर के नज़दीक और तुलजापुर का ज़िला है उस्मानाबाद। तो वहाँ पे मैंने मेरे जीवन के 20 साल बिताए थे और मुझे पता नहीं था कि मुझे ज़िंदगी में आगे चल के क्या करना है, लेकिन बचपन से मुझे शौक था कि मैं ड्राइंग करता रहता था। मेरे फैमिली में मेरे अंकल थे वो चित्रकार थे। ओके। हाँ, तो वो मेरे तरफ ध्यान देते थे कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें किस में रुचि है, इसको वो कहाँ लेके जा सकते हैं, तो ये उन्होंने सोच के रखा था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मुझे 10th के बाद क्या करना है। 10th के बाद 11th 12th सब लोग करते, तो मैंने भी किया, लेकिन 12th के बाद सब लोग अपने साइड चूज़ करते, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मुझे सच में क्या करना है, ना मुझे आर्ट साइंस और कॉमर्स इन सब चीज़ों के बारे में कुछ पता नहीं था। मेरे दोस्त जा रहे थे, लेकिन उस वक्त मेरे मामा ने मुझे कहा कि तुम्हें जाना है बांद्रा स्कूल ऑफ आर्ट। ओके, डायरेक्ट कहा कि तुम्हें यहाँ पे जाना। हाँ, तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे मुंबई में जाके मुझे हायर एजुकेशन लेना है, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था। तो मेरे लिए घर में किसी ने सोच के रखा था और मैं अपने आप को इतना भाग्यवान समझता हूँ कि मेरे घर में ही एक ऐसा शख्स था जो मुझे पहचानता था। तो मैं मुंबई में चला आया और वहाँ तब मेरी शुरू हो गई कॉलेज और जर्नी और स्टडी, ये सब शुरू हो गया। और तब मैं यहाँ पे जो अपना गांव का जीवन है, इस यहाँ के माहौल में, यहाँ के जद्दोजहद में, यहाँ के भीड़ में, वो मैं गांव का शांतता, गांव के लोग और वहाँ का जीवन मैं यहाँ पे कहीं तो मिस कर रहा था और वो कहीं पे मेरे अनकॉन्शियस माइंड में जमा हो रहा था। तो मैं यहाँ पे काम करते हुए मेरे पेंटिंग्स में वो ग्रामीण जीवन आने लगा। तो पहले मेरे जो पेंटिंग थे उसमें ज़्यादा कलर, अभी ये पेंटिंग आप देख रहे हैं इसमें बहुत से येलो कलर्स हैं, ऑरेंज है, रेड है, तो नया नया जब मैंने काम शुरू किया था तो उस वक्त सब मेरे
पेंटिंग्स में गांव के कलर थे, गांव की मिट्टी के, गांव की धूप, गांव की छाव, सब वो क्या बोलते हैं उसे, वो तृतीय श्रेणी के कलर्स, उसमें मेरे पेंटिंग्स थे। उसमें विलेज लाइफ था, विलेज लाइफ ही दिखाता था मैं, क्योंकि वो मैं मिस कर रहा था। उसके बाद धीरे 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 मैंने डोर्स बनाना शुरू किए, बाद में मैंने मैरिज प्रोसेशन पे काम किया, गोल्ड फिश पे काम किया, ट्रीज़ पे काम किया। तो इस तरह से मेरे पेंटिंग में बदलाव होते गए, और आप सब देख सकते हैं गूगल पे, मेरे पुराने काम्स भी वहाँ पे अवेलेबल है, और आज के काम भी आप देख सकते हैं वहाँ पे, कि किस तरह से एक आर्टिस्ट की जर्नी, एक आर्टिस्ट का उसका जीवन कैसे उसके पेंटिंग्स में उसका उसका प्रतिबिंब आता है, उसके जीवन का, उसने जो जिया है उसका, वो आप मेरी पेंटिंग में धीरे 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 देख सकते हैं, वो है मेरे काम में। तो इस तरह से मेरी स्टाइल डेवलप हो गई, क्योंकि मेरे रूट्स अभी भी गांव में ही है, ग्रोथ हो रही है धीरे धीरे धीरे, लेकिन रूट्स मेरे गांव के ही है। तो जो कुछ भी एनर्जी आती है, जो कुछ भी इंस्पिरेशन आता है, तो वो वहीं से आता है। और आई थिंक आपके यहाँ पे मल्लार भगवान है, उनको हल्दी उड़ाया जाता है, तो तुलजापुर में भी आई थिंक हल्दी उड़ाते हैं। तुलजापुर में हल्दी नहीं उड़ाते, वो जेजुरी में उड़ाते हैं। हमारे तुलजापुर में तुलजा भवानी टेम्पल है, वहाँ के वहाँ पे लोग मतलब वहाँ पे भक्ति होती है, वहाँ पे पूजा होती है, वहाँ की अर्चा होती है, तो वो सब लोग वहाँ पे हैं। वो लोग कभी कभी मेरे बिल्डिंग में आते हैं, हल्दी उड़ाते हैं, क्या हल्दी और गुलाल, ये सब। क्योंकि हमारी जब बात हो रही थी कॉलेज में कि आपके पेंटिंग्स की खासियत, सर जब एक्सप्लेन कर रहे थे, तब उन्होंने शायद ऐसे कहा था कि कुछ महाराष्ट्र में जो सबसे ज्यादा भगवान को क्या चढ़ाया जाता है, गुलाल उड़ाया जाता है और एक हल्दी उड़ाई जाती है। तो मोस्टली हल्दी एक जो मतलब महाराष्ट्र में मिर्च मसाले इसका बहुत ज़्यादा ये यूज़ किया जाता है, तो हल्दी एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है महाराष्ट्रियन लोगों का। तो उसमें से वो जो महाराष्ट्र इंडियननेस जो होती है ना, जो स्पाइसेस, तो उसमें जो येलो कलर आता है, तो वो एक इंडियन पेंटिंग्स में ऐसे तरफ ऐसे दिखाया जा सकता है। तो ऐसे अलग अलग टाइप से एक्सप्लेन कर रहे थे, तब येल्लो आपका एक बहुत मुझे पसंदीदा हो गया। मतलब मैंने आज तक बहुत से पेंटिंग्स देखे, बहुत से आर्टिस्ट के देखे, बट अलग अलग आर्टिस्ट ना अपना एक कलर सिलेक्ट कर लेते हैं अपने लाइफ में। मतलब अगर मिलिंद मुलिक सर से जब मिला, तब उनका जो ग्रीन है, उनके पेंटिंग्स में फ्रेश फ्लोरोसेंट ग्रीन, बहुत ही ग्रीन वाले पेंटिंग्स है उनके, right. और वो बहुत सही दिखते हैं। जैसे right. आपके इसमें येल्लो एक है, येल्लो है, रेड है, ब्लू yes. है yes. और गोवर्धन पेंटिंग की सीरीज में बहुत से कलर्स है, और मैरिज प्रोसेशन में भी जो वो आई थिंक गोवर्धन है, उसमें ब्लू, उसमें सब कलर्स है, सब कलर्स एक साथ लेने के बाद भी उसकी एक कलर संगति बहुत अच्छे से बनती है। ये एक खासियत है इसमें। और येलो कलर्स मेरे पेंटिंग में तब आए जब मैंने एक पोएट की एक कविता की चार लाइन मैंने पढ़ी थी, तो मुझे बहुत इंस्पायर करके चली गई। तो वो उसमें सूर्यफूल का जिक्र था, एक सूर्यफूल और एक लेडी थी, एक लेडी जो निराधार है, जो एक सोसाइटी में रहती है, जिसका ना पति है, ना बाप है, ना कोई बेटा है, तो वो एक सूर्यफूल से प्रेरणा लेती है और उस सोसाइटी में रहती है। एक निराधार स्त्री को लोग जिस नज़र से देखते हैं, तो उसको उस समाज में फ्रेश रहना है, ताज़ा रहना है, ये नज़र लोगों की जो नज़र है उसको डाइजेस्ट करके खुद को फ्रेश और ताज़ा और बिल्कुल फूल के जैसा, सूर्यफूल के जैसा रखना है। तो सूर्यफूल की खासियत क्या होती है, वो जब सुबह सुबह सन सूर्योदय होता है, तो सूर्य की तरफ उसका मुंह होता है, बाद में 12 बजते हैं दोपहर के, इतना प्रखर लाइट आता है सूर्य का, उसके बाद भी वो सूर्यफूल सूर्य की तरफ देखता है, नज़र नहीं घुमाता इधर उधर। तो ये जो एनर्जी सूर्यफूल लेता है, शाम के वक्त भी जब सूर्यास्त होता है, उस वक्त भी वो सूर्य की तरफ ही देखता रहता है सूर्यफूल। तो उसका जो येलोनेस है, वो येलो मैंने उस लेडी के अंदर दिखाने की कोशिश की थी। वो मेरा पहला येलो पेंटिंग था। तो उसके बाद मैं धीरे धीरे पेंटिंग की सीरीज शुरू हो गई। तो वो येलो कलर, सूर्यफूल और वो लेडीज, इनके माध्यम से वो एनर्जी लेके मेरे पेंटिंग में आया था। मतलब ये जो डेली की जो भागदौड़ होती है, उसमें मैंने आज मतलब
मेरे साथ बहुत से लोग होंगे जिनको ये नहीं पता होगा, बहुत साधारण चीज थी ये सूर्यफूल की जो आपने बताई कि सूर्यास्त सूर्योदय से सूर्यास्त तक वो अपनी सन के तरफ ही देखता रहता है वो सूरज, और खुद की मतलब वो मुरझाता नहीं है, उसके अंदर का जो येलो कलर है सुबह भी वैसा होता है शाम भी वैसा ही होता है, तो वो जो येलो कलर उसकी तेजस्विता है, उसकी जो इंटेंशन है उसका येलो का, जो फ्रेशनेस है, ये ताकत है, वो एनर्जी है, वो उस लेडी ने ली है, और वो ऐसे समाज में रहती है, सूर्य मतलब जिस तरह आग फेंकता है उस तरह ये लोग जो समाज में है उस नज़र से लेडीज़ को देखते हैं, निराधार लेडीज़ को, तो वो लेडीज़ को इस सूर्यफूल की तरह रहना है, तो ये बात थी उस पोएम में, तो ये मैंने सोचा और एक आर्टिस्ट के तौर पर मैंने उस पेंटिंग में उसको डाला। ये कब आपने पढ़ा था, कौन सा? ये बहुत 2008 की बात है। जब मैं 8 साल 2008 के, और उसी वक्त मैंने धीरे 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 मेरे पेंटिंग में तेजस्वी कलर आते गए, फ्रेश कलर्स आते गए, रेड ब्लू इस तरह के, नहीं तो मैं बहुत डरता था इतने ब्राइट कलर कैनवास पे लगाने के लिए, क्योंकि उतने ब्राइट कलर्स लगाना तो आसान है लेकिन उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। अगर आप इतना क्रोम येलो और रेड आप कैनवास पे लगाते हो तो कभी कभी वो कंट्रोल नहीं कर सकता है आर्टिस्ट, और वो पेंटिंग उस ऊंचाई पे नहीं पहुंच सकता है, तो वो उसको कंट्रोल करना पॉइंट होता है, वो हमें मोस्टली हमारे दिमाग में ये होता है कि ये मेरा मेन एलिमेंट है तो इसको मैं फोकस करूंगा, सो इसमें वाइब्रेंट आना चाहिए, बट आपके पेंटिंग में सबसे ज्यादा वाइब्रेंट इस जगह पे मुझे लगता है कि वहां पे जा रहा है, पर फिर भी यहां का जो ब्यूटी है ना वो सबसे पहले आता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये खासियत है। मेरे साथ साथ है ना बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो भी कॉलेज में है पर उनका जो कलर का जो नॉलेज होता है या फिर एप्लीकेशन जो पेंटिंग्स में होता है, कॉलेज में असाइनमेंट्स होते हैं छोटे छोटे साइज पे होते हैं, लैंडस्केप अगर करने जाए तो वाटर कलर एक बहुत हार्ड मीडियम है, तो उसको जब हम लाइव करते तब तो वो है ना बहुत बच्चे ऐसा बनता है मोस्टली सबका। तो आपका कैसा था कॉलेज में पेंटिंग जब आप आउटडोर को जाते थे? अपने अपने फील्ड में ना मेहनत बहुत इम्पोर्टेंट है और सही मार्गदर्शन, अगर आप काम कर रहे हो तो ये बात भी बहुत ज़रूरी है कि कोई तो बताने वाला और देखने वाला होना चाहिए कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, ये बताने वाला कोई गुरु कोई सीनियर आपके साथ होना चाहिए। अगर आप गलत कर रहे हो और कोई बता नहीं रहा है और आपको भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप गलत ही होता जाएगा आगे। अगर कोई कोई देखने वाला है, आज तुमने लैंडस्केप किया, स्केचिंग किया, आपने किसी को दिखाया एक अच्छे मार्गदर्शक को, एक अच्छे टीचर को, और उन्होंने बताया कि हाँ ये अच्छा है, ये आगे लेके जाओ, नहीं नहीं ये अच्छा नहीं हुआ, इसे यहाँ आगे से इसको मत करो, इसमें ये अच्छी चीज़ है, ये आगे करो, तो दूसरे दिन अगर आप लैंडस्केप करने के लिए बाहर जाते हैं तो वो गुरु ने जो बताया होता है वो इसको निकाल दो, तो आप उसको निकाल देते हैं और उसके आगे की कुछ चीज़ें लेकर आप आगे निकल जाते हैं, तो इस तरह से धीरे 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 प्रगति होती है। तो मैं क्या करता था जब मैं स्टूडेंट था, मेरे अंकल रोज़ मुझसे 50 स्केचेस लाने को और एक लैंडस्केप, दिन में 50 स्केचेस और एक लैंडस्केप लाने के बाद ही मुझे रात का खाना मिलता था, ठीक है, तो 50 स्केचेस लाने के बाद उसमें से 10 स्केचेस वो निकालते थे, और एक डिस्प्ले बोर्ड बनाया था मैंने मेरे रूम में, मैं वर्ली हॉस्टल में रहता था, तो वो 10 स्केचेस मैं वहाँ पे लगाता था, बाकी के फेंक देता था, क्योंकि वो 10 स्केचेस में वो आया था जो चाहिए था। और लैंडस्केप तो मैं रोज़ करता था, और जो रोज़ एक लैंडस्केप किया है वो भी डिस्प्ले करता था, तो जब मैं असाइनमेंट करता था या बेड पर पड़ा रहता था या कुछ लिखता रहता था या स्केचिंग करता रहता था या खाना खाता था तो वो मेरे नज़र के सामने था, सब स्केचेस मैं सुबह से शाम तक देखता रहता था, अभी कुछ कर रहा हूँ बाद में नज़र पड़ी उसके ऊपर तो मैं देख रहा हूँ, अभी दूसरा काम कर रहा हूँ बाद में लैंडस्केप देख रहा हूँ, तो मेरे नज़रों के सामने सुबह से शाम तक रहता था, तो मुझे उसमें दिखता था कि हाँ ये लाइन बराबर है ये गलत है ये लाइन बराबर है। तो दूसरे दिन मैं बाद में स्केचिंग को जाता था, वो 10 स्केचेस निकालता था और आज किए हुए 10 स्केचेस लगाता था और लैंडस्केप निकालता था, तो मैं एक 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 स्टेप ऐसे ऐसे आगे बढ़ा। और लेकिन ये लगन और ये मेहनत और ये हाँ चलो आज लैंडस्केप करने का मूड नहीं है नहीं जाऊँगा, नहीं ऐसा कभी नहीं किया मेरे जीवन में। वो स्टूडेंट लाइफ के 4 या 5 साल जो थे, 6 साल मैंने रोज़ लैंडस्केप किए, रोज़ स्केचिंग किए, रोज़ आउटडोर किया और बाद में असाइनमेंट किया, तो
ये रोज होता था, कभी मेरा मूड नहीं होता था तो उस मूड में भी मैंने काम किया। उस वक्त कैसा काम होता था ये भी एक बात है, लेकिन क्या होता है जब आप काम करते हो तो आपको आदत लग जाती है, और आदत लगने के बाद में आपको लगता है कि अरे आज कुछ किया नहीं हमने, तो वो एक जो होता है आज क्यों कुछ नहीं किया, तो एक बात आ जाती है और आप करने को जाते हो, और बाद में वही चीज़ आपको मतलब आपको आदत की जैसी लग जाती है, मतलब एक एडिक्शन बन जाता है कि आज करना ही है, उसके बिना आपका दिन ही स्टार्ट नहीं होता, तो वो हो जाता है, और बाद में आप उसमें मिक्स हो जाते हो, घुल मिल हो जाते हो, काम और आप अलग अलग चीज़ें नहीं होती है, तो वो आप काम और आप एक हो जाते हो, तब धीरे धीरे आपकी प्रगति जैसे होती है आपको भी पता नहीं चलता। तो ये इस फ्लो में मैं गया हूँ, और मेरे साथ अच्छे मार्गदर्शक थे, अच्छे सीनियर्स रूम में थे, और हॉस्टल में आर्टिस्ट लोग भी रहते थे, तो हर एक के साथ संबंध रहता था, हर एक लोग मुझे बताते थे और आते थे देखने के लिए कि सिद्धार्थ आज तूने कहा क्या काम किया, तो मैं दिखाता था, वो भी उनके तरफ से कुछ बताते थे, तो मैंने काम में कभी भी मतलब ऐसा गैप नहीं रखा कि आज लैंडस्केप नहीं किया, आज स्केचिंग नहीं की। एक तो पहली बात मुझे खाना नहीं मिलता था अगर नहीं किया तो, खाना है तो करना ही है। बहुत ही मतलब हाँ नहीं मतलब अपने फील्ड में ये स्ट्रिक्टनेस है ही नहीं, टीचर ने अगर सर आज मैंने स्केचेस नहीं लाए, हाँ चलो ठीक है बैठो कल लेके आओ, ये जो है ना ये आपको कमज़ोर कर देता है और अच्छा आर्टिस्ट बनने से दूर रखता है। मेरे साथ जो भी स्टूडेंट काम करना चाहते थे मैंने उनको बोला कि मैंने ऐसा ऐसा काम किया है, तो मैं ऐसा ऐसा काम करने के अगर आप कर सकते हो तो मेरे से जुड़ो, नहीं तो मत जुड़ो, मेरा भी टाइम वेस्ट मत करो और आपका भी। तो मैं जिस फ्लो में गया, आज लोग देखते हैं कि हाँ सिद्धार्थ ने बहुत अच्छा सक्सेस पाया है, लेकिन उसके पीछे जितनी मेहनत की है उसकी तैयारी अगर आपकी करने की हो तो आप आ जाइए, मेरे दरवाजे स्टूडियो के दरवाजे खुले हैं, अगर नहीं है तो मैं भी इंटरटेन नहीं कर सकता। ये बात है, क्योंकि बहुत मतलब मेहनत से, बहुत अपमान सहन करके, भूखे रह के मामा ने मुझे सिखाया है। मेरे अंकल है, दो अंकल थे, हाँ तो जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में प्रोफेसर थे, अभी 2020 में रिटायर हो गए। तो उन्होंने सिखाया, तो बहुत स्ट्रगल कर, मैंने एक बार लैंडस्केप किया था, बहुत मेहनत करके लैंडस्केप करके 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 सब लैंडस्केप करने के बाद सब लैंडस्केप मेरे दिमाग में थे, और उस सब लैंडस्केप का एक कंपोजिशन मेरे दिमाग में बन रहा था, तो मैं रोज मेरे रूम पे बैठ के एक कंपोजिशन कर रहा था, लैंडस्केप कंपोजिशन। तो उस वक्त मेरे ऊपर NS बेंद्रे का बहुत प्रभाव था, उनके पेंटिंग्स, कलर स्कीम, हारमनी, टेक्सचर, वो सब मुझे बहुत प्रभावित कर रहा था, तो वो भी दिमाग में थे और काम भी था, तो वो सब दोनों का मिक्सचर मेरे कैनवास पे आ गया। मैं जेजे स्कूल ऑफ आर्ट गया सर को दिखाने के लिए कि मैंने मेरा काम कंप्लीट किया है, तो वहाँ पे अनिल नायक सर जी बैठे थे, मेरे अंकल श्रावस्ती सर बैठे थे, दूसरे जॉन डगलस सर और एक दो सर और बैठे थे, तो सबके सामने मैंने दिखाया कि मैंने सर लैंडस्केप किया है, सभी ने बहुत तारीफ़ की मेरी, बहुत अच्छा मस्त किया है, बहुत अच्छा, तुम्हें NS बेंद्रे पसंद है क्या, ऐसा मुझे बोला, तो मैंने बोला हाँ सर बहुत पसंद है, और बाद में मैं बहुत खुश होकर घर पर वापस आ गया, स्टूडियो सॉरी हॉस्टल पर, और मैं खुश था। तो उसके बाद आधे घंटे में मेरे अंकल मेरे हॉस्टल में आए और बोला कि वो काम निकाल के सामने रखो, तो काम निकाला सामने रखा, वो पीछे बैठे मैं आगे बैठा, और मेरे आगे काम था, उन्होंने कहा ये मिटा दो वो भी मिटा दो, उसमें जितना NS बेंद्रे था वो सब निकाल दिया पेंटिंग में से। मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की थी, 15 या 25 दिन मैं उस पर काम कर रहा था, छोटे पेपर पर कंपोजिशन पर, तो मेहनत सब, लेकिन बाद में कुछ वक्त के बाद मुझे पता चला कि उसमें से सर ने NS बेंद्रे को निकाल दिया और सिद्धार्थ शिंगाड़ी को ढूंढा है। हाँ तो वो बात मुझे धीरे 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 एहसास हो गया मुझे उस बात का, और बाद में मैंने अपने आप को जानना शुरू किया। तो वो जो पेंटिंग था उसमें से जो NS बेंद्रे को साइड में किया, NS बेंद्रे का इन्फ्लुएंस जो था, उनका इन्फ्लुएंस में जो मैंने किया था, वो इन्फ्लुएंस निकाल के सिर्फ उसमें सिद्धार्थ शिंगाड़ी को रखा। राइट, और जो बाकी था वो ऐसे फॉर्म्स थे या फिर कुछ अलग था? नहीं, वो उस वक्त मैं स्टूडेंट था, मेरी जर्नी चल रही थी, मेरे फॉर्म अभी तक डेवलप नहीं हो रहे थे, लेकिन उसमें टेक्सचर का कुछ पार्ट था जो बिंदु 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 जो NS बेंद्रे करते वो उसमें था, वो निकाल दिया उन्होंने, बाकी एज लैंडस्केप नॉर्मल लैंडस्केप की तरह था। जैसे स्टूडेंट का होता है, NS बेंद्रे ने भी बहुत से लैंडस्केप किए, बनारस घाटी के लैंडस्केप किए, उनके ट्रीज है, उनके फार्म्स है, तो उसमें वो जो टेक्सचर यूज़ करते थे, मैंने मेरे लैंडस्केप में वो टेक्सचर यूज़ किया था, और बाकी सब जो आकार थे चौल के
मैं बीडी रिचौल में रहता था और वहाँ पे वर्ली कोलीवाड़ा जाता था, तो वहाँ का सब वर्ली कोलीवाड़ा का सब मैंने सीनरीज दिखाया था। तो वहाँ पे जो शेडोज और लाइट होती है, वो शेडोज और लाइट में मैंने बिंदुज का डॉट डॉट में किया था, तो वो सब बिंदु निकाल दिए और बाकी प्लेन में सब रख दिया। वो लैंडस्केप मेरे घर पे है अभी गाँव में। आपके पास तब फोटोज आपने कभी खींचे होंगे, ऐसा कुछ है आपके पास फोटोज? देखना पड़ेगा, मेरे एक लैपटॉप में थे लेकिन वो लैपटॉप अभी खराब हुआ है, मैंने एक बाद में दिखा था। बिल्कुल बिल्कुल, वो ऐड कर देंगे क्योंकि वो जो है ना रेफरेंस, वो इनको जब आप दिखाएंगे तब उनको ना वो समझ में आएगा कि हाँ, जो आर्टिस्ट जो हम देखते हैं कि इतने अच्छे काम है, उनके भी हमारे एज में वैसे काम नहीं होते जो अभी है, उन्होंने भी वो धीरे धीरे किए हैं। बहुत आपने जो पूरी कहानी आपकी बताई, जो स्ट्रिक्ट थे आपके मामा जी, हाँ। आपके मामा अभी कहाँ पर है? अभी मुंबई में है वो, उनके दो बेटियां हैं और वो स्टूडियो में अपना काम कर रहे हैं। ओके। वो रिटायर लाइफ जी रहे हैं और पेंटिंग कर रहे हैं, मार्गदर्शन करते हैं स्टूडेंट्स को कभी कभी, हाँ, हमारा काम देखने आते हैं, एग्जीबिशन में आते हैं। अभी मेरा जहांगीर में 2019 में सोलो हुआ था, उस वक्त भी आया था। इस वक्त भी हम पूछते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, वो कुछ करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। अभी अभी भी कुछ आंखें खेते, इसको साइड में कीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम तो उसी के लिए उनको चाहते हैं कि वो आए और हमारा काम और ज़्यादा सुधर जाए। कोई तो ऐसा शख्स आपकी ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो मेरे अंकल ने मुझे एक चीज़ सिखाई, जो लोग आपके काम में जो त्रुटियाँ निकालते हैं उनका ज़िंदगी में स्वागत करो, क्योंकि वो आपको आगे लेके ना जाते। जो लोग आपकी सिर्फ तारीफ करते हैं उनको छोड़ दो, जो लोग आपके काम की त्रुटियाँ निकालते हैं, खराबी निकालते हैं, ठीक है, उनको रखो सामने, उनका सुनो। अगर आपको लगता है कि हाँ त्रुटि है तो उस पर विचार करो, नहीं है तो जाने दो, नहीं तो तारीफ करने वाले तो बहुत मिलते हैं, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी जो लाइफ के जो हादसे है, जो अच्छे या फिर बुरे, वो है ना, मतलब आपके जो वाणी है ना बात, उसमें वो क्लियरली दिखते हैं कि आप बहुत ही स्ट्रिक्ट थे और आपके काम के लिए भी। बिल्कुल, तो उसी वजह से आपका जो अभी फिजिक और वो जो है अंदाज, वो बिल्कुल क्या आता है आपका? नहीं नहीं बिल्कुल, मैं जब मुझे रहेजा स्कूल ऑफ आर्ट में मेरा एजुकेशन हुआ, रहेजा स्कूल ऑफ आर्ट ने 2015 में मुझे बुलाया था वहाँ पे सिखाने के लिए। एक्चुअली मैं स्टूडेंट के तौर पे जब गया था तब कॉलेज मुझे बहुत पसंद आया था। उस वक्त मैंने सोचा था कि यार मैं यहाँ पे प्रोफेसर बन जाऊँ, प्रिंसिपल बन जाऊँ, ये चेयर, ऐसे सपने मुझे आए थे उस वक्त। हाँ, तो उसके बाद मेरी लाइफ, स्टूडेंट लाइफ ख़त्म हो गया, मैं आर्टिस्ट बन गया, अच्छे अच्छे शोज़ होने लगे। बाद में रहेजा स्कूल ऑफ आर्ट में कोई प्रोफेसर नहीं था सिखाने के लिए, उस वक्त मैं गया था वहाँ पे कंपोजिशन सिखाने के लिए। तो मैंने वहाँ पे कुछ 4-5 महीने सिखाए कंपोजिशन विद स्टूडेंट्स को, लेकिन कुछ 3 या 4 स्टूडेंट ही उतनी आत्मीयता से काम करते हैं, मेहनत करते हैं, काम करके ला के दिखाते थे। बाकी के सब लोग विद्यार्थी सब मोबाइल में या कैंटीन में या किसी और चीज़ों में फंसे रहते हैं। तो इसके वजह से मैंने सोचा कि यार ये अपना टाइम वेस्ट हो रहा है, तो फुल टाइम हम अपना काम ही करें। जिसको अगर मुझसे मिलना है या कुछ सीखना है तो मेरे स्टूडियो पे आ जाएगा। तो आजकल के स्टूडेंट में वो शिद्दत नहीं है, वो मेहनत करने की ताकत नहीं है। अभी तुम्हें लगा कि एक आर्टिस्ट को जाके मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए, ये जो चीज़ है वो आज के स्टूडेंट में नहीं है, क्योंकि एक मोबाइल का बटन दबाने के बाद फेसबुक इंस्टाग्राम पे वो आर्टिस्ट दिखता है, उसका काम दिखता है, तो उसको मिलने की जो चाहत है वो ख़त्म हो जाती है। पहले ऐसा नहीं था मेरे ज़माने में, मैं जब प्रोजेक्ट बनाता था तब मैंने 3-4 आर्टिस्ट को गांव जाके, एमपी जाके, उत्तर प्रदेश जाके, मैं खुद जाके मिल के आया, क्योंकि मुझे उनका काम पसंद था, तो मुझे उनसे मिलना था, उनके बारे में रिस्पेक्ट था मेरे जहन में, तो वो रिस्पेक्ट मुझे वहाँ तक खींच के लेके गया। और मोबाइल की वजह से ये चीज़ बंद हो गई है, तो वो चीज़ कहीं तो नहीं दिख रही है, इसलिए स्टूडेंट ने भी उतना देना चाहिए। ये इंसिडेंस है आपके हाथ का, उसके बारे में अगर फ्रैंक हो तो बता। नहीं, मेरा हाथ कुछ एक्सीडेंट नहीं हुआ है, वो बाय बर्थ ही है ऐसा, बाय बचपन से ही है, कुछ एक्सीडेंट वगैरह नहीं हुआ है। लोगों को लगता है ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन बाय बर्थ ही है। लेकिन मेरा हाथ का सपोर्ट बहुत रहता है मेरे काम के साथ। ऐसा कभी हुआ है नहीं कि मुझे एक हाथ नहीं है और मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। बचपन से लेकर आज तक ऐसी कोई एक चीज़ नहीं है जो मैंने इस हाथ की वजह से नहीं करी हो। बस एक चीज़ थी, कैनवास स्ट्रेच करते वक्त मुझे किसी की तो हेल्प चाहिए होती थी। तो अभी बीच में कोरोना पीरियड आ गया और कोई नहीं था आजू बाजू में, ना असिस्टेंट थे ना कोई साथ में,
तो मैंने कोशिश की कि मैं क्यों नहीं कर सकता। तो इस कोरोना पीरियड में मैंने एक हाथ से कैनवास स्ट्रेच करके बनाना भी सीख लिया। उसके बाद पता चल गया कि अरे मैं सब कुछ कर सकता। आपको मैं मुझे खुशी हो रही है ये बात बताने के लिए आप सबसे। मैंने आज तक है ना जितने भी आर्टिस्ट से मिला हूँ सबसे मैंने ये बात कही है कि समझो एक दिन आपका अगर हाथ गायब हो जाए तो आप क्या करोगे। सारे लोग है ना कुछ टाइम के लिए ना ऐसे शॉक हो जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता है उन्होंने क्योंकि वो विचार ही नहीं किया होता है कि लाइफ में अगर हाथ नहीं हो तो मैं क्या करूंगा। तो फिर वो अलग अलग कहते कि फिर मैं तो ये करता अलग अलग फील्ड का बताते फिर मतलब मोस्टली वो अपने पेंटिंग करेंगे ऐसा कुछ नहीं होता है उनका आंसर। लेकिन ये यहाँ पे एक एग्जांपल है। मुझे लगा था कि आपका कहीं पे एक्सीडेंट हुआ रहेगा पर आपका बाय बर्थ है और उसके बाद अगर आप चॉइस कर रहे हो कि मैं पेंटिंग करूँगा तो ये बहुत बड़ी बात है। और आपने बचपन में कब सोचा था कि मैं पेंटिंग करना चाहता हूँ मैं ड्राइंग करना चाहता हूँ। मैं करता ही था बचपन से ही करता था सोचा नहीं था कि मैं एक ड्राइंग करना चाहता था। मेरे अंदर वो चीज़ थी। आजू बाजू में था क्या कोई ऐसा पेंटिंग करने वाला या ड्राइंग करने वाला? ऐसा कोई नहीं था बस मुझे बहुत अच्छा लगता था ड्राइंग करना और शायद मेरे अंकल थ्रू वो मेरी चीज़ मेरे अंदर आ गई। पेंटिंग्स करते थे हाँ वो बचपन का काम देखते थे। हाँ तो मेरा बचपन पूरा उनका काम देखते हुए गुजरता था। जब वो घर में पोर्ट्रेट्स करते थे मॉडल्स घर पे गांव के लोग बैठते थे ओके, तो मैं उनके आजू बाजू में बैठ के देखते देखते वहीं पे सो जाता था वहीं पे उठता था। बाद में वो लैंडस्केप को जाते थे उनके पीछे पीछे जाता था। तो स्केचिंग तो कॉलेज के स्टूडेंट फर्स्ट ईयर को आने के बाद शुरू करते हैं। मैंने जब मैं 6th में था 7th में था तभी मैं स्टैंड पे चला जाता था स्टेशन पे चला जाता था क्योंकि अंकल स्केचिंग कर रहे तो मुझे लगा कि मुझे भी करना ही अच्छा लग रहा है जो कुछ भी वो कर रहे हैं। तो ये स्केचिंग होती है ये भी पता नहीं था लेकिन अच्छा लग रहा है कुछ तो कर रहा हूँ यहाँ पे बैठ के स्टैंड पे स्टेशन पे लोग बैठे हैं कोई सोया है अंकल कर रहा है इसलिए मैं भी कर रहा हूँ। तो स्केचिंग मैंने उस वक्त से शुरू की है जब मैं 6th में था 7th में था 9th 10th में था। उस वक्त स्कूल का पढ़ाई थोड़ा कम किया होगा लेकिन स्केचिंग और लैंडस्केप उसी वक्त से मैं कर रहा था। क्या बात। तो मेरा नज़रिया जो है दृष्टिकोण जो है चीज़ों को देखने का एक लैंडस्केप का जो व्यू है वो देखने का स्केचिंग करते वक्त ह्यूमन बॉडी को देखने का उसमें शेड एंड लाइट को देखने का तो वो जो बचपन में उसी वक्त जब मैं 5वीं 6वीं 7वीं कक्षा में था उसी वक्त बन रहा था। कुछ लोग 12th करने के बाद इस फील्ड में आते हैं और बाद में सोचते हैं कि हाँ ऐसा देखना है इस तरह से देखना होता है इस तरह से करना होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं वो मिट्टी के जैसे होते हैं मतलब आप जैसे मोल्ड करते हो तो उस वक्त मेरा मोल्ड उसी वक्त बन गया था। तो इसलिए कॉलेज में आने के बाद ज़्यादा परेशानी नहीं हुई तो इस तरह से आगे बढ़ता गया। क्या बात है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी थी जब आप बच्चे थे जब आप कॉलेज में थे? कॉलेज में था तब मेरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ही अच्छी नहीं थी। मतलब कॉलेज में जो कुछ भी स्टाइफंड वगैरह मिलता था उसी से काम चलता था और हॉस्टल में वरली हॉस्टल में था डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का तो वहाँ से कुछ थोड़ा सा मटेरियल मिलता था और खाना पीना वहीं पे मिलता था। तो मैंने अपने आप को बहुत खुश नसीब समझा कि इस हॉस्टल में मुझे एडमिशन मिला क्योंकि मुंबई में आके आपको अगर रूम मिल रहा है और खाना पीना मिल रहा है विदाउट कॉस्ट दैट इज़ फॉर इट्स गवर्नमेंट हॉस्टल। और जो लोग गांव से आते हैं जो मुंबई के नहीं हैं और जिनको यहाँ पे सीखना है और जो ये है मागा स्वर्गीय है SC UC ये जो कुछ भी तो उन लोगों के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने वहीं पे हॉस्टल उनके नाम से गवर्नमेंट ने शुरू किया है। तो वहाँ पे बहुत से लोग पढ़ के चले गए बहुत पुराना हॉस्टल है वो। तो वहाँ पे मुझे एडमिशन मिलने के बाद मैंने सोचा कि बस हमें सिर्फ काम करना है सिर्फ और सिर्फ काम और जो कुछ भी मुझे मेरे जीवन में मिलेगा आज मैं काम में जितनी इन्वेस्टमेंट करूँगा 4 साल 5 साल 7 साल ये 7 साल के बाद मुझे उसका रिटर्न मिलेगा और ये मेरी इन्वेस्टमेंट एकदम हॉनेस्ट प्रामाणिक और बहुत ही दिल से होनी चाहिए। अगर इसमें अगर मैं कुछ 19-20 करूँ अरे चलो इधर कैरिकेचर करने के लिए जाएंगे उधर थोड़ा सा पैसा मिलेगा इधर कुछ कमीशन वर्क करेंगे चलो गणपति डेकोरेशन करेंगे या कुछ चलो कुछ दीवार पेंटिंग का ऑर्डर है वो मिल रहा है वहाँ पे कुछ 500-2000 मिल रहा है वो करेंगे। ऐसा मैंने कभी नहीं किया। कभी कभी मेरे जेब में 1 रुपया भी नहीं होता था
उस वक्त भी मुझे ऐसा लगा नहीं कि बाहर का काम करना चाहिए। उस वक्त भी मैं स्केचिंग करता था, लैंडस्केप करता था, कंपोजिशन करता था और स्टूडियो घर में बैठ, क्योंकि दो टाइम का मुझे खाना तो मिल रहा था, तो एक्स्ट्रा पैसे के इसमें मैं अपना खुद का काम जो डेवलप होने की स्टेज पे जा रहा है उसको मैंने छोड़ा नहीं है। और मैंने मेरे साथ ऐसे कई लोगों को देखा है जो कुछ छोटे मोटे पैसों के लिए बाहर का काम कर रहे थे, तो वो कभी अच्छे आर्टिस्ट नहीं बन सके क्योंकि उनका इधर का कॉन्ट्रीब्यूशन जो आर्ट में होना चाहिए वो उतना 100% नहीं हो रहा था, क्योंकि आप बाहर का भी काम कर रहे हो थोड़े से पैसों के लिए और बाद में वो पैसे मिलते हैं तो इधर कम ध्यान दे रहे हो, तो ये होता है। तो मैंने मेरे जीवन में कभी स्टूडेंट लाइफ में कभी कमीशन वर्क नहीं किया, कभी बाहर का काम नहीं किया। दो वक्त तक खाना मिलता था तो खाना खाता था और बहुत ही प्रामाणिक और बहुत ही मेहनत से मेरा काम के ऊपर मैंने संस्कार किए, उसके ऊपर सोच विचार किया और हर टाइम उसको आगे लेके चला गया। और कॉम्पिटिशन्स तो थी अपने आर्ट फील्ड में, उसमें मैं काम भेजता था, मुझे अवार्ड मिलता था और कभी कभी मेरा काम वहाँ पे सोल्ड भी हो जाता था। स्टूडेंट लाइफ से मेरा काम सोल्ड होना शुरू हो गया है। जब मैं थर्ड ईयर में था तब मेरा पेंटिंग लक्ष्मी नारायण मित्तल में लिया पहला पेंटिंग, तो क्योंकि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो मुझे अवार्ड्स मिल रहे हैं और अच्छा सेल भी हो रहा है, तो मैं बाहर का कमीशन वर्क क्यों करूँ। तो उसके बाद और ज़्यादा शिद्दत से और लगन से मैंने और ज़्यादा मेहनत से काम शुरू किया। क्योंकि जब अवार्ड्स मिलते हैं या कोई आपका काम अप्रिसिएट करता है मतलब तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, सिर्फ इतना बोलना नहीं, वो आप काम लाखों रुपए कीमत देकर वो काम अपने ड्राइंग रूम में सजाता है, इससे बड़ी और कौन सी पावती हो सकती है आपके काम के प्रति। तो ये मेरे साथ स्टूडेंट लाइफ में ही शुरू हो गया था होना, इसलिए मैंने पूरा मेरा फोकस तो नहीं था बाहर के काम पर, सिर्फ अपने काम पे था और वो फोकस और ज़्यादा मजबूत हो गया और मैं और अच्छा अच्छे से इन्वॉल्व होके उसमें और ज़्यादा काम कर रहा था। और दूसरी चीज़ है कॉम्पिटिशन्स, उसमें उतर के उसमें जो गोल्ड मेडल्स है, सिल्वर मेडल है या कुछ बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का अच्छा अवार्ड है, मेरी चाहत है कि ये मुझे लेना है। और उसी तरीके से मैं अपने रूम में काम करता था और वो सब मैंने स्टूडेंट लाइफ में ले लिया, हासिल कर लिया। क्या सुपर। और उसके बाद भी स्टूडेंट लाइफ होने के बाद मेरे जो शोज हुए वो सब स्पॉन्सर शो हुए, गैलरीज आए मेरे पास, गैलरी ने बोला कि सिद्धार्थ जी हम आपका सोलो करना चाहते हैं, मुझे एक रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मेरे एक पास काम है। Because they know, उनको पता था कि इस काम में दम है, वो सोल्ड हो ही सकती है, तो इसको उठा। तो गैलरीज मेरे पास आई, उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि सिद्धार्थ तुम सिर्फ काम करो, आपके साथ गैलरी है, गैलरी आपका काम प्रमोट करेगी, आपका सेल करेगी, आप सिर्फ काम करते जाओ। तो ऐसे ऐसे धीरे 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 मेरे साथ काफ़ी गैलरीज जुड़ गई। आज मेरे 7 या 8 सोलो शो हुए लेकिन मैंने आज तक कभी एक रुपया खर्च नहीं किया इस शो के लिए। क्या बात, पूरे गैलरीज मेरे दरवाजे स्टूडियो के बाहर खड़ी रहती है। हाँ, तो अभी मेरा दिसंबर में एक सोलो आ रहा है, वो बहुत बड़ा ग्रैंड शो होने वाला है। वो लोग भी यहाँ पे आके एक 4-5 दिन यहाँ पे एक उन्होंने शूटिंग की, एक छोटी डॉक्यूमेंट्री बनाई, मेरा पूरा चॉल में रहता था मैं यहाँ पे पहले, उस चॉल में लेके गए, वहाँ से पूरा मेरा लाइफ जर्नी दिखाया है। वो अब दिसंबर में उनका वो रिलीज हो जाएगा, बेंगलोर में दिसंबर में मेरा सोलो है बेंगलोर में किंकिन आर्ट गैलरी में, तो वो ये डॉक्यूमेंट्री और मेरा सोलो दोनों एक साथ ही रिलीज हो जाएंगे। स्टूडेंट्स देखने वाले ये पॉडकास्ट, तो उनकी जो माइंडसेट होती है उस नज़रिए से मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि आप सोचिए कि आप भी स्टूडेंट एज में हैं और तब का आपका जो माहौल था उसमें जब आप एक ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट के बीच में काम कर रहे हो स्टूडेंट्स के, तो तब आपको ना आपकी मेंटल स्टेट कैसी थी कि यार इन लोग के पास दो जो हाथ होते हैं उनके वो पूरी मेहनत करके वो काम करें और आपके पास अगर एक बाय बर्थ आपके पास एक हाथ नहीं है तो फिर आपकी मेंटल स्टेट कैसी थी तब? कुछ आपको थोड़ा सा मेंटली ऐसे लगता था, कभी सवाल आते थे मन में कि शायद मैं इससे ज़्यादा एनर्जी से काम कर सकता था या फिर इससे अच्छे एनर्जी से मेरे काम करने से इसकी क्वालिटी अच्छी होती थी, ऐसे कभी लगा आपको? नहीं नहीं, मैं बचपन में था, छोटा था, उस वक्त मेरा विकास पूरी तरह से नहीं हुआ था बौद्धिक और मानसिक, उस वक्त लगता था। लेकिन मेरे अंकल ने मुझे बहुत अच्छे, क्या बोलते उसे, बालकड़ू वो दिए हैं। एक बार उन्होंने मुझे सवाल पूछा था कि सिद्धार्थ पेंटिंग किस चीज़ से करते हैं, कैसे करते हैं, मैंने बोला हाथ से, ब्रश से, पेंसिल से, चारकोल से, तो उन्होंने बोला कि नहीं, पेंटिंग अंतरंग से करते हैं। तो आपके पास दो हाथ हो या चार हाथ हो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता,
पेंटिंग अंतरंग से करते हैं, अंदर से करते हैं, दिमाग से करते हैं। तो हाथ सिर्फ टूल है ना। यस, एब्सोल्युटली। हाथ सिर्फ टूल है। जब आप ब्रश उठाते हो या पेंसिल उठाते हो तो वो टूल होता है। टूल होता है, लेकिन वो टूल तब तक होता है, मतलब जब तक आपके दिमाग में या आपके अंदर या आपके अनुभव में, आपके पास अनुभव संपन्नता होनी चाहिए, आपने बहुत देखा हुआ होना चाहिए, आपके सब दरवाजे खुले होने चाहिए, आपका सोच, आपका विचार, आपका रीडिंग, ये सब चीज़ें जो जो कुछ भी आपका अनुभव है उससे कुछ होता है। एक आर्टिस्ट या एक फोटोग्राफर या एक कवि या एक लेखक, उनके अंदर कुछ होता है। सब चीज़ें जब देखते हैं, अगर मैं एक मूवी देख के आया हूँ और वो मूवी मेरे जहन में चली गई और अंदर मुझे सोच और विचार करने के लिए प्रवृत्त किया उसने मुझे, तो उसके बाद मेरा हाथ उठता है या टूल लेता और बाद में मैं कुछ करता हूँ। तो उसके लिए दो या चार हाथ की ज़रूरत नहीं होती। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि अरे इसके पास दो हाथ है तो ये मुझसे बेटर पेंटिंग कर सकता है क्या, ऐसा मुझे कभी ऐसा सवाल भी नहीं आया या कुछ ऐसा लगा भी नहीं। लेकिन मैंने पूरे मेरे दरवाजे, मेरे आँख, मेरे आजू बाजू का परिसर सबको मैं देखता था, सोचता था और काम करता था उसके ऊपर। तो सब, और गांव में भी जो मैंने जीवन जिया था, जहाँ पे जो कुछ भी मैंने देखा था, वो सब यादें मेरे अंदर थी और वो सब लेके मैं यहाँ पे मुंबई में आया था। तो वो सब यहाँ आने के बाद मैं वो मिस कर रहा था गाँव का जीवन, तो वो धीरे धीरे कहीं से वो सब यादें पिघल के, मेल्ट होके, बाद में उसका आकार में रूपांतर होके वो मेरे कैनवास पे आ गई थी। तो ये चीज़ें होती है काम करने के लिए। उसके लिए मुझे कैसा कभी नहीं लगा कि मुझे एक हाथ नहीं है तो ऐसा नहीं। जिन लोगों के पास दो दो हाथ है वो लोग भी मेरे फील्ड में थे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया ना। उनको मैं देखता हूँ तो आज भी उसी, मतलब आज उन्होंने तो 5 साल कोर्स पेंटिंग का पूरा किया है, लेकिन आज वो पेंट आर्टिस्ट ही नहीं है, आर्ट टीचर भी नहीं है। आर्ट फील्ड से उनका कनेक्शन टूट गया, कुछ तो ऐसा काम कर रहे हैं कि अरे उसका कुछ कनेक्शन ही नहीं है। मतलब वो 5 साल क्या किया आपने जिंदगी के? 5 साल इतने ऐसे कैसे हो सकते हैं कि आप, मुझे तो एक दिन वेस्ट हो गया तो मुझे ऐसा लगता है कि अरे, तो ये 5 साल 6 साल अगर आप कुछ करते हो इस फील्ड में तो कुछ तो करना चाहिए ना। कभी ऐसा दिन आया जब आपने ना फूट फूट के रोया हो मन में या फिर बाहर? आप, मुझे पता नहीं, आप मोस्टली जो मर्द होते वो कभी आंसू ऐसे निकालते नहीं है, ऐसे कहा जाता है, बट सबको पता है अंदर से है ना, एक ऐसे ऐसा टाइम आता है सबकी लाइफ में जब है ना ऐसे लगता है कि सब हमारे ना अपोजिट में हो रहा है, जो भी हम करने जा रहे हैं सब अपोजिट में आ रहा है और कोई हमें साथ नहीं दे रहा है और आगे क्या होगा, और ये बहुत सारे चीजें ऐसे ना सवाल पैदा होते हैं हमारे माइंड में। तो ऐसा कभी समय आया कि जब आपने ना दिमाग अपने मन में ही फूट फूट के रहा और बहुत से सवाल पूछे हो खुद को कि क्या करें अभी, ऐसा कभी दिन आया? नहीं, फूट फूट के तो रोया नहीं मैं, लेकिन जीवन में ऐसे प्रसंग बहुत आए, जिस वक्त अपमान हुआ, जिस वक्त ऐसा, मतलब मेरे अंकल ने कभी मेरी काम की प्रशंसा नहीं की। मैं उन्हें बहुत मेहनत करके काम उनके सामने लाता था, लेकिन वो बहुत अच्छी बात थी क्योंकि उन्होंने प्रशंसा नहीं की। अगर करते तो मैं वहीं पे रुक जाता था। तो ऐसी बातें थी। एक बार ये हो गया था, मेरा काम मैंने बॉम्बे आर्ट सोसाइटी को भेजा था फर्स्ट ईयर में, और काम वहाँ पर रिजेक्ट हो गया। हाँ, तो उस वक्त मैं रोया नहीं था, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा था। मुझे ऐसा लगा था कि मैं कहीं पर कम पड़ रहा हूँ, मेरा काम कहीं पे कम पड़ रहा है। तो उस वक्त मैंने मेरे रूम पे जाके बहुत सोचा मैंने कि क्यों रिजेक्ट हुआ। तो उस वक्त मैंने पिछले 10 सालों के सब कैटलॉग निकाले, उसमें सब देखा कि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्या किया है, 10 साल पहले क्या हुआ था, बाद में क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, लास्ट ईयर क्या हुआ था, किसके पेंटिंग सेलेक्ट हुए हैं, किसको अवार्ड्स मिला है। इसके ऊपर मैंने बहुत सोचने के बाद उसके गहराई में चला गया, काम शुरू किया बाद में एक और बार, और उसके दूसरे साल मुझे गोल्ड मेडल मिला बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का। तो ये स्ट्रगल है, था लाइफ में, और उसके साथ बाकी ऐसी चीज़ें थी जो जिनको सबके लाइफ में होती है, सबके लाइफ में ऐसा, मतलब फूट कर रोने के जैसा वक्त आता है, लेकिन वो जो फूट कर रोना होता है या इंसल्ट होता है या अपमान होता है, उसको अगर आप पचा कर उसकी ताकत को अगर आप अपने काम में लाने की कोशिश करते हो और उसमें सक्सेस हो जाते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी कलाकार ने सिर्फ हाँ फूट फूट के रोया या कुछ हो गया और छोड़ दी बात, ये ख़त्म नहीं होती ना। बाद में ऐसे प्रसंग आएंगे तो फिर आप बाद में रोएंगे क्या? तो
तो वो एनर्जी मैंने संभाल के रखी थी अंदर कहीं पे, तो मेरे घर की ऐसी परिस्थितियाँ थी जो मैं बता नहीं सकता अभी, मेरे हॉस्टल में ऐसी परिस्थितियाँ थी जो मैं बता नहीं सकता, ऐसे लाइफ में ऐसे कुछ इंसिडेंट्स होते हैं, अपमान होता है, तो वो मैंने पचा कर उसका मैंने भांडवल तैयार किया और मैंने उसको अपने काम में लाया। तुम्हारा तो आपको आपके साइड से कुछ अगर कहना हो स्टूडेंट्स के लिए या फिर आर्ट लवर्स के लिए तो क्या कह सकते हो आप? नहीं, अपने फील्ड में क्या होता है, लोग स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में जाने के बाद या पास आउट होने के बाद ऐसे बोलते हैं कि अरे यार अपने फील्ड का मार्केट अच्छा नहीं है, अपने इसमें ये नहीं है वो नहीं है, तो ये जो रास्ते हैं ना जिनका कोई मतलब नहीं है, इनको छोड़ के आप सिर्फ अगर मेहनत करोगे लगन करोगे तो आपको वो सब मिलेगा जो आप उसके हकदार हैं। मेरे वक्त भी मेरे साथ भी ऐसे लोग थे जो उतना काम नहीं करते थे लेकिन निगेटिविटी बहुत थी उनके अंदर। अगर पेंटिंग उनका रिजेक्ट भी हो गया तो ऐसा बोलते थे कि अरे पॉलिटिक्स है, इसका सिलेक्ट हो गया, मेरा क्यों सिलेक्ट नहीं हुआ, लेकिन ये नहीं सोचते थे कि मेरे काम में क्या कमी है। वो कमी को ढूंढना और मेहनत करना और लगन से काम करना और अपनी दृष्टि या आपका दृष्टिकोण बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखना, जो चीज़ें जैसी है वैसी देखना और बाद में एज अ आर्टिस्ट उसके ऊपर विचार करना, ये सब चीज़ें बहुत ही ऑनेस्टली करना बहुत ज़रूरी है और विश्वास रखना अपने काम पर और ये सब चीज़ें जो निगेटिव है, मतलब अगर मैं गांव से यहाँ पे आया हूँ मुंबई में, अगर मैं भी ऐसे ही सोचा होता तो आज मैं मेरा बोरिया बिस्तर बांध कर वापस गांव जाके कुछ तो दुकान डाला होता या कुछ तो जॉब कर रहा होता, लेकिन नहीं, मैंने ढूंढा कि मेरे काम में क्या कमी है, उसको निकाल दिया और बाद में अपना काम और स्ट्रांग करते चला गया। कोई बॉर्न आर्टिस्ट बड़ा आर्टिस्ट तो नहीं होता है, धीरे 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 जैसे ग्राफ होते हैं वैसे ही आपको आपकी ऊंचाई पे जाना पड़ता है। तो मुझे स्टूडेंट लोगों को बस यही कहना है कि हर रोज़ स्केचिंग करते रहो, हर रोज़ लैंडस्केप करते रहो, बाद में एक वक्त आता है वो छोड़ के उसके आगे जाना पड़ता है, कंपोजिशन करने पड़ते हैं, पिक्टोरियल्स करने पड़ते हैं, डिज़ाइन करना पड़ता है। जब आप पिक्टोरियल करते हो तब ये जो सब है लैंडस्केप और कंपोजिशन में जो अनुभव आपको मिला है वो उसमें डालना होता है। मतलब अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो आपके पास इंग्लिश के वर्ड्स बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी है, अगर नहीं होए तो आप बोल नहीं सकते। तो ये अपनी फील्ड भी ऐसी है, अगर आपने स्केचिंग किया अच्छा तो लैंडस्केप अच्छे कर सकते हो, लैंडस्केप में जो भी कलर्स आप यूज़ कर सकते हो करते हैं जितने आप लैंडस्केप करते हो तो वो सब आप डिज़ाइन में या कंपोजिशन में या पिक्टोरियल में या बाद में पेंटिंग में वो सिखाता है आपको, हारमनी क्या होती है, पैलेट क्या होती है, कलर स्कीम क्या होनी चाहिए, ये आपको लैंडस्केप करने के बाद पहला लैंडस्केप आप देखो और आपने किया हुआ 100 नंबर का लैंडस्केप देखो तो उसमें थोड़ा सा सुधार होता है ना, तो उसी में जो कुछ भी आपको मिलता है वो आप डिज़ाइन में डालते हो या कंपोजिशन में डालते हो, पेंटिंग में डालते हो। और बाद में आपका पेंटिंग डेवलप होता है, कैसे डेवलप होता है, आपके जीवन में जो अनुभव आते हैं, आप जो देखते हैं, आप जो पढ़ते हैं, आप जो मूवी देखते हैं, उसमें जो कुछ भी रस आपके अंदर जाता है एक चित्रकार के रूप में, उसका आकार में रूपांतर होके वो आपके पेंटिंग में आता है। लेकिन वो आप जिस तरह से देखते हो, उसका ग्रहण करते हो, वो कितना ताकतवर होना चाहिए, उसी उतना ही ताकत वाला फॉर्म आपका हो जाएगा, इतना ही स्ट्रांग आपका फॉर्म, आपकी कलर स्कीम, आपकी हारमोनी होगी। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ देखा रहे हाँ ऐसा है तो एकदम वैसे नहीं, बहुत ही मतलब उसके ऊपर सोच के विचार करके बाद में वो फॉर्म अगर आता है तो उसी ताकत से आता है। बिल्कुल, जैसे अमृता शेरगिल ने उनके लाइफ में वो फॉरेन में पढ़ी थी, उनको इंडिया के बारे में कुछ पता नहीं था, बिल्कुल, जब बिल्कुल। वो यहाँ पे आने के बाद यहाँ का जीवन देखने के बाद यहाँ की गरीबी, यहाँ के बिल्कुल, लोग बिल्कुल। तो वो उनको सच में यहाँ पे लगा ना, यस, उसके बाद वो उतने सच्चाई से वो बाहर आया। यस, और मुझे नहीं लगता कि उन्होंने, मैंने अभी तक वो वाले पेंटिंग नहीं देखे जो उन्होंने वहाँ पे किए थे उनके टाइम पे, कॉलेज के टाइम पे, वो यहाँ पर जो आई उन मतलब फॉरेन में पढ़ने वाला आदमी या फिर जो व्यक्ति है वो यहाँ पर आके ऐसे फॉर्म्स जो होते हैं इंडियन फॉर्म्स उसमें ट्रांसफर होना, वैसे पेंटिंग्स करना, बिल्कुल बहुत स्टडी लगता है इसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और आई थिंक उन्होंने कुछ 27 की उम्र में वो ऑफ हो गई थी, 27-28 उम्र। हाँ, तो और मुझे और एक बात कहनी है बहुत ही इम्पोर्टेंट। आर्टिस्ट जहाँ से बिलोंग होता है, वो जहाँ जिस भूमि से आता है, जिस धरती से आता है, जिस गांव से आता है, वो उसके काम में झलकना चाहिए, ये मुझे लगता है। ओके तो अपने फील्ड में क्या हो रहा है,
लोग स्टूडेंट्स वेस्टर्न आर्टिस्ट का काम देखते हैं और उस तरह करने की कोशिश करते हैं जो बिल्कुल नकली है। अब जिस भूमि से आते हो, अब मैं महाराष्ट्र से हूँ, मराठवाड़ा से हूँ, वहाँ के लोग, वहाँ के लोगों का कॉम्प्लेक्शन, वहाँ के लोगों का काम, वहाँ के लोगों की रोजी रोटी, वहाँ की मिट्टी, वहाँ की बारिश, वहाँ के पेड़ पौधे, कंकर, सब कुछ जो मैंने देखा है, जो मैंने जाना है, मैंने जिया है, वो मैं मेरे पेंटिंग में उतने अच्छे से लाऊंगा ना। अगर मैं वेस्टर्न आर्टिस्ट से प्रभावित होता हूँ और उसके जैसे एक काम करने का सोचता हूँ तो वो सब नकली नकली ऊपर का आ जाएगा। तो मुझे स्टूडेंट्स को यही बताना है, उनसे आप इंस्पिरेशन लो। मेरे ऊपर स्टूडेंट लाइफ में गॉस्टिव क्लेम का इतना इन्फ्लुएंस था, तो उसमें मैंने ढूंढा, उनका कंपोजिशन देखा मैंने, उनकी कलर स्कीम देखी, पैलेट देखी, वो मैंने ली। उस वक्त मैंने उसका बहुत स्टडी किया, उसके जैसे कॉपी पेंटिंग भी किए, लेकिन उसमें जो मुझे चाहिए वो मैंने लिया। सच्चा आर्टिस्ट क्या करता है, किसी का अच्छा काम है वो उठाता है और अपने अंदर ढाल के अपने स्टाइल में उसको अपने कैनवास पे लेके आता है। तो उनसे इंस्पिरेशन लो आप, लेकिन उनकी कॉपी मत करो, क्योंकि इंस्पिरेशन अपने देश में, अपने भारत में इतना है। और मुझे पहले से ऐसा लगता है, आप इंडियन आर्टिस्ट हो तो इंडिया, भारत, आपकी भूमि, महाराष्ट्र, मेरे गाँव के लोग आपके काम में दिखने चाहिए, और यही मैं दिखा सकता हूँ। मेरे पास यही है ये दिखाने के, और वह ओरिजिनल है। ऐसा नहीं है कि किसी का देख किया, बुक पढ़ के किया है, कुछ रिसर्च करके निकाला है। हाँ, ऐसा नहीं है, ओरिजिनल मैं जी के आया हूँ, मैं दिखा रहा हूँ आपको, और वो उतना सिंपल है, लेकिन लोग उसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं। बहुत ही प्योर नॉलेज आज जो होता है ना, मतलब कॉलेज में जो डाउट्स होते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल वो यहाँ पे ना बहुत एक्सप्लेन हुए, खास करके पिक्टोरियल के इसमें। सुपर। एक्चुअली मुझे सिखाना बहुत अच्छा लगता है, मुझे स्टूडेंट्स को कंपोजिशन उनमें से बाहर निकालना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैंने अगर बताया, मेरे अंकल को अंकल मेरे पोर्ट्रेट आर्टिस्ट है, और उनको कान का ड्राइंग और पेंटिंग करने को नहीं आ रहा था। उनके टीचर थे सुहास बोलकर सर, तो उन्होंने कहा कि 10 एंगल से पोर्ट्रेट इस कान का एंगल से करके लेके आओ। तो उन्होंने 10 नहीं 20 पोर्ट्रेट किए और लाए और रखे उनके सामने। उसके बाद बोलकर सर ने उनको दिखाया कि कान का ड्राइंग कैसा करते हैं, उसको कलर कैसा भरते हैं, वाटर कलर में कैसे काम करते हैं और ऑयल में कैसे करते हैं, उसके बाद किया। तो आजकल के स्टूडेंट को अगर मैं बताऊं कि हाँ ये काम, ये लैंडस्केप तुमने आज किया है, कल अगले हफ्ते 10 लैंडस्केप करके और बाद में मैं दिखाऊंगा, तो आज के बच्चों में वो बात नहीं है, वो 10 लैंडस्केप करके नहीं लाएंगे, तो बोलेंगे कि सर ऐसा है वैसा है। तो ये अगर वो नहीं करेंगे तो शायद वो चीज़ पा सकते हैं। और मुझे कंपोजिशन सिखाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन स्टूडेंट्स आजकल के उतने वो नहीं है, डेवोट नहीं करते, मतलब त्याग नहीं करते और उतनी मेहनत लगन नहीं करते, इसलिए मेरा आज का ना यहाँ आने का एक ही मोटिव था। मतलब मैं ना जब मैंने आपका जैन में, जैसे मैंने बताया, जैन में देखा था आपके पेंटिंग्स और आपके बारे में पढ़ा था, तब मुझे ना वो क्यूरियोसिटी आई थी। क्योंकि ना कैसे होता है, जब तक अपने लाइफ में ना, अभी समझो ना, किसी को अगर एस्ट्रोनॉट बनना है, उसके सामने जब वो अपने दैनंदिन जीवन में एस्ट्रोनॉट का कुछ दिमाग में आता ही नहीं है, उसके सामने नहीं आता। जब उसके सामने कोई प्लेन दिखता है, तब उसको रॉकेट दिखता है, तब उसको दिमाग में आएगा कि हाँ मुझे ये बनना है, स्पेस रॉकेट में जाना है ऐसे। तो जब कॉलेज में आया तब हमें ये पिक्टोरियल के बारे में समझा, और जब आपके बारे में मुझे समझा, तब मुझे ना ऐसे ये क्यूरियोसिटी हुई कि आज तक हमने क्या किया था। हॉबी क्लासेस में हमने शुरुआत की, तब हमने कॉपी वर्क, स्केचिंग किया, अलग अलग पोर्ट्रेट्स किए, लैंडस्केप किए, बट ये भी एक टॉपिक होता है, एक रियलिस्टिक फॉर्म को हमें एक पिक्टोरियल में कन्वर्ट करना है, जो अंदर की हड्डी होती है उसको समझो, गायब कर दो, और वो जो रिदम होता है हाथ का, वो सारी चीजें हमने समझी। तब मुझे ना बहुत क्यूरियोसिटी थी कि ना आपसे मिलके ना ये सारी बातें करें, और आपने कैसे ये फॉर्म्स क्रिएट किए, ये सारी बातें मैं आपसे पूछूं। तो काफी कुछ जानने को मिला आज के पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच सर, और आपका भी थैंक यू सो मच। आप ये वीडियोस देख रहे हो, उसी वजह से मैं अलग अलग आर्टिस्ट से मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो उनका मौल्यवान समय मुझे दे रहे, उनका संडे उन्होंने हमें दिया, मतलब और क्या चाहिए। थैंक यू काम करने वाले लोगों का हमेशा मैं स्वागत करता हूँ। और मैं भी चाहता हूँ कि अच्छे आर्टिस्ट अपने फील्ड में, अपने देश में तैयार हो, और वो भी उनका ऐसा काम बने जो प्रेरणादायी बने। ऐसे लोग दुनिया में, अपने देश में होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। अच्छा लगा एक स्टूडेंट के तौर पे तुम्हारा किसी आर्टिस्ट से मिलना, उनसे सवाल पूछना, जो कुछ भी जो सवाल पूछते हो, ये सवाल तुम्हारे अकेले के नहीं है, मुझे लगता है असंख्य लोगों के।
तो वो लोगों का प्रतिनिधित्व तुम कर रहे हो। अगर ये तुम्हारा प्रोडकास्ट देख के कुछ दो तीन स्टूडेंट भी अगर समझे कि यार हाँ ऐसी लाइफ मैं भी जी रहा हूँ आज जो सर ने जी है, तो सर आज अच्छा काम कर रहे हैं, इतने अच्छे स्टेज पे चले गए, तो मैं भी जा सकता हूँ, ये विश्वास भी अगर इस प्रोडकास्ट में से उनके अंदर गया और वो काम करने की उन्हें अगर प्रेरणा मिली तो ये सक्सेसफुल हुआ, ये मैं समझूंगा। यस, और वही मेरी कोशिश है। मुझे कुछ दिन पहले एक कमेंट आया था या ऐसा डीएम आया था, आई डोंट नो, उसमें कोई तो यूपी से था, उसने मुझे कहा कि ना हमारे यहाँ पे गैलरीज ही नहीं है। उन्होंने आई थिंक मेरा एक जहांगीर में मैं विजिट के लिए गया था ऐसे ही नॉर्मली, और वहाँ पर मुझे प्रकाश गाड़गे सर और नीली शफाड़ और ऐसे अलग अलग सर दिखे थे, तो उनसे मैंने बातें की, तो वो पॉडकास्ट उस व्लॉग उसने देखा वो बच्चे ने, और उसने कमेंट किया कि हमारे यहाँ पे आर्ट गैलरीज नहीं है, आप प्लीज ऐसे अलग अलग गैलरीज घूमिए और हमें कम से कम वहाँ पे देखना तो मिलेगा फोन पे कैसे होता है शहर में। तो यही एक कोशिश है। थैंक यू सो मच गाइज, मैं मिलूंगा आपको अगले पॉडकास्ट में, अगले व्लॉग में, अगले आर्टिस्ट के साथ। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। सीनियर स्टूडेंट असतो कॉलेजमध्ये, त्याला जे आपण क्वेश्चन विचारतो की भाई मला आता नवीन आलो मी फर्स्ट इयरला, की ह्या कॉलेजबद्दल सांग ना यार, हे जो कॅन्टीन आहे ह्याची काय हिस्ट्री आहे, ही जी स्कल्पचर कॉलेजमध्ये आहे त्याच्याबद्दल सांग, ही जी क्युरिओसिटी असते ना की भाई मी आता ही फील्ड घेतली ह्याच्यानंतर काय करणार, तर ह्या ज्या क्युरिओसिटी आणि जी ती एनर्जी असते ना, त्या एनर्जीमध्ये आपल्याला हा पॉडकास्ट डिलिव्हर करायचा आहे त्यांना जे आता स्टुडंट आहेत।